नाज़रीन व सामईन, ये तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये बेहोशी के आलम में पड़े हैं। ये ज़िला मधुबनी के नौजवान आलिम दीन मौलाना जवाद साहब कासमी हैं। इनका गांव यखता है। गांव यखता ज़िला मधुबनी के रहने वाले नौजवान आलिम दीन मौलाना जवाद साहब कासमी आज बेहोशी के आलम में शकरी नेशनल हाईवे के नीचे पड़े मिले हैं। मौलाना अभी भी बेहोश हैं और फ़िलहाल शकरी के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आपको बता दें कि मौलाना जवाद साहब आज तकरीबन 1 बजे दरभंगा स्टेशन से बजरिया टैक्सी करके अपने गांव के लिए निकले थे। शुरू में बताया गया था कि गाड़ी की लोकेशन तो मिल रही है मगर फ़ोन बंद जा रहा है। कई घंटे बाद वो बेहोशी की हालत में मिले हैं। मौलाना मौसूफ पहले दारुल देवबंद में पढ़े हैं और अब मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में PhD के तालिब इल्म हैं। सवाल ये है कि क्या अब बिहार में टैक्सी वालों पर भी भरोसा नहीं रह गया है? मौलाना होश में आ जाएं तो कुछ पता चले। इस रिपोर्ट के लिए सोशल इंडिया न्यूज़ जनाब मौलाना खलीक रहमानी का बेहद शुक्रगुजार है। हम कहना चाहेंगे कि आजकल अकेले चलने का आदमी का भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए साथ में एक दो को साथ लेना ले लेना चाहिए ताकि सफ़र बख़ैर आफत मुकम्मल हो जाए।